दोस्तों आप जो कम से कम पढ़ेंगे उसका नाम है चाचा भतीजा और तिलिस्मी फूल। ये रिक्वेस्ट की थी किसी ने, तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ इसको। तो ये रिक्वेस्ट की कॉमिक्स है, ये वैसे मैं इनकी कम पढ़ता हूँ लेकिन रिक्वेस्ट थी तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। रायगढ़ के राजा ठाकुर विमल राय सिंह। महारानी, रात काफी हो गई है। राजकुमार नवल राय सिंह अभी तक लौट कर महल में नहीं आए। महाराज घबरानी, कोई बात नहीं, राजकुमार आपके प्रिय मित्र मोहसिन के बेटे के जन्मदिन की दावत में गए हैं। मोहसिन मेरा अजीज दोस्त है, राजकुमार को वह अकेला वापस नहीं भेजेगा। मेरी चिंता दूर हो गई, अब मैं सो जाना चाहिए। मोहसिन की दावत में राजकुमार नवल राय सिंह, आपकी दावत बहुत लाजवाब रही, रात काफी हो गई है, मुझे चलना चाहिए। महाराज और महारानी साहिबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मोहसिन का बेटा सलीम। सलीम बेटे, राजकुमार को उनके महल तक छोड़ाओ। जो हुक्म अब्बा हुजूर, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। नहीं राजकुमार, तुम नहीं जानते, न सिर्फ तुम मेरे अजीज दोस्त के बेटे हो बल्कि पूरे राज्य की धरोहर हो। हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। अच्छा, अलविदा अलविदा। मौसम बड़ा सुहावना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ राजकुमार, अभी अभी बारिश होकर चुकी है। तभी जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। यह क्या बदतमीज है, जानते नहीं यह राजकुमार नवल राय सिंह है? जानते हैं, और इन्हीं को हम देने आए हैं। बदतमीज, धड़ाक। ओह, तभी पीछे तड़ाक, आह, धड़ाक, ओह। दोनों बेहोश हो गए हैं। राजकुमार को उठाकर ले चलो, दूसरे को यहीं पड़ा रहने दो। दूसरे दिन राजा विमल राय सिंह के दरबार में। महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मंत्री राजकुमार नवल राय सिंह रात को महल में नहीं लौटे, हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तभी दरबान आता है। महाराज, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सलीम बताता है। सलीम, मोहसिन का बेटा, उसे अंदर भेजो। सलीम दरबार में पेश होता है। महाराज, राजकुमार नवल राय सिंह और मैं कल रात महल की तरफ आ रहे थे कि दो ठगों ने हमला कर दिया। हम दोनों बेहोश हो गए। जब मुझे मुझे होश आया तो राजकुमार नदारद थे। यह किसकी हिम्मत है कि रायगढ़ के राजकुमार को अगवा करके ले जाए। हमारे राज्य में अजगर और खरगोश एक ही बिल में रहते हैं। तभी एक पत्थर तीर द्वारा दंदनाता हुआ आया। सराट, राजा ने पत्थर ले लिया। यह उन लोगों की तरफ से आया लगता है जिन्होंने राजकुमार को अगवा किया है। राजा पत्थर पड़ता है। महाराज, आपका बेटा हमारे कब्जे में, हमें तिलिश्मी फूल चाहिए। एक सप्ताह तक फूल नगर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए, राजकुमार सुरक्षित महल में पहुंच जाएगा। फूल न मिला तो राजकुमार की लाश आप तक भेज दी जाएगी। कजाक सेना। मंत्री सिपाहियों को हुक्म दे कि दो की कजाक सेना को तहस नहस कर दे। यह संभव नहीं महाराज, हमें पता नहीं है कि कजाक सेना कहाँ रहती है। हाँ, यह एक समस्या है। फिर महाराज, हमें तिलिश्मी फूल लाकर कजाक सेना को दे देना चाहिए। राजकुमार की जान को खतरे में डालना अकलमंदी नहीं। पर तिलिश्मी फूल हम लाएंगे लाएंगे कहां से? मंत्री, मेरे ख्याल से शहर में मना दी करा देनी चाहिए कि जो बहादुर तिलिश्मी फूल लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, नगर में मुनादी करा दी जाए। हर खासो आवाम को सूचना दी जाती है कि राजकुमार नवल राय सिंह का अपहरण कर लिया गया है और बदले में तिलिश्मी फूल मांगा गया है। जो कोई फूल को एक सप्ताह में लाएगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। भतीजे, लगता है तिलिश्मी फूल लाने का काम हमारे हाथों ही होना लिखा है। कोई बड़ा इनाम पाने के लिए? अरे नहीं, राजकुमार की जान बचाने के लिए। यह सारे राज्य के लिए एक चुनौती है। पर अपना कर्ता धन दौलत की बजाय तिलिश्मी फूल क्यों मांग रहे हैं? ताकि उनके जुर्मों में वह तिलिश्मी फूल सहायक हो। करामात दिखाने वाले तिलिश्मी फूल की ताकत वैसी होगी जैसे हमारे जादुई चिराग की। लेकिन चाचा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि तिलिस्मी फूल कहाँ और किसके पास है? हमारे लिए इसके लिए तुम्हारे पास जादू चिराग है, घिसाओ। भतीजा जादू चिराग घिसाता है। हो हा। जिन आ गया। क्या हुक्म है मेरे आका? हमें तिलिस्मी फूल चाहिए, तुम बता सकते हो कि वह कहाँ मिलेगा? यह तुमने क्या सवाल कर दिया मेरे आका? फूल पाना आसान काम नहीं है मालिक। जिन, हमें सिर्फ यह बताओ कि तिलिस्मी फूल कहाँ मिलेगा, उसको लाना हमारा काम है। हम हमेशा मुश्किल काम करते हैं, आसान कार्य को हम हाथ में नहीं लेते ही नहीं। मेरे आका, फूल हासिल करने के लिए जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं, एक बार फिर सोच लीजिए। जिन, हमारे राजकुमार नवल राय सिंह की जान खतरे में, उसके लिए वह तिलिस्मी फूल लाना बहुत जरूरी है। तो सुनो मेरे आका, तिलिस्मी फूल परीलोक की शहजादी मेहरून के पास है, जो उसे हमेशा अपने पास रखती है।
परीलोक कहाँ है? परीलोक धरती पर नहीं बल्कि दूर बादलों के उस पार है जहां तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। तो क्या तुम हमें परीलोक तक तक पहुंचा सकते हो? परीलोक के द्वार तक ही छोड़ सकता हूँ। परीलोक के हमारे बीच समझौता है कि कोई एक दूसरे के इलाके में न घुसे। तुम हमें वहीं तक पहुंचाओ। ठीक है, बैठ जाओ मेरी पीठ पर। और जिन चाचा भतीजा को लेकर तेजी से परीलोक की ओर उड़ चला। और चिराग का जिन काफी देर तक आकाश को चीरता चला गया, दूर बहुत दूर। जिन परीलोक अभी और कितनी दूर है? अभी से घबरा गए। मैंने कहा था ना कि तिलस्मी फूल पाने का इरादा छोड़ दो, रास्ते में बड़ी कठिनाई आए। मेरे आका होशियार, आगे तूफान आ रहा है। सोए सोए ओह। काफी देर तक जिन तूफान में गुजरता रहा, अंत में जब तूफान रुका तो अरे मेरे आका हैं कहाँ गए वे? ओ वे तो तूफान में उड़ गया, जमीन से वे बहुत ऊंचे हैं। अगर मैंने इनको आसमान के बीच में इन्हें पकड़ा तो जमीन पर गिरते ही इनके अस्थि पिंजर अलग अलग हो जाएंगे। आहा, मैंने पकड़ लिया, वे दोनों सुरक्षित हैं। और जिन उड़ता हुआ आगे चल दिया। उड़ते उड़ते वह बादलों के झुंड में घुस आया। आहा, वह देखो सामने परीलोक। मेरे आका, मैंने आपको यहां तक पहुंचा दिया, इस सीमा से आगे मैं जा नहीं सकता। धन्यवाद जिन, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। यह जादुई छड़ी मैं आपको देता हूँ, मुसीबत में आपके काम आएगी। चाचा जी, यह सड़क तो बड़ी मुलायम है। भतीजे मत बोलो कि हम बादल पर चल रहे हैं। यह प्री महल की खिड़की है भतीजे, अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। शहजादी, आज आप बड़ी उदास नजर आ रही हैं। मुझे डर है कि कहीं जा खोच राक्षसी आना आ जाए। यह शहजादी मेहरून लगती है। हाँ, उसके हाथ में तिलिस्मी फूल है। राक्षस जाखोज जब भी आता है परियों को उठाकर ले जाता है। इस तरह हमारे प्रदेश की जनसंख्या घटती जा रही है। यही सिलसिला रहा तो एक दिन यह परीलोक सुनसान हो जाएगा। भतीजे, यहाँ भी राक्षस चिराग के जिन ने कहा था कि यह जगह जोखिम से भरी है। अपनी दरबान परियों को हुक्म दो कि कर पैरा कड़ा कर दे, साकोच राक्षस आने वाला है। राक्षस साकोच, हो हा 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 हा, एक कदम भी आगे बढ़ा तो तुम्हारा सीना बालों से छलनी कर देंगे। तितलियों, हाथी से मुकाबला करोगी? साकोच पर भाले फेंके गए। ये मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते, छोड़ दो हमें। शहजादी मैरून दौड़ती हुई बाहर आई। दुष्ट, छोड़ दे मेरी परियों को, नहीं तो तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। हो, जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। आज मैं तुम्हारी सुंदर शहजादी को ले जाऊंगा। चाचा जी, साकोच शहजादी मरून को उठाकर ले जाएगा, मैं यह अनर्थ न होने दूंगा। चाचा दौड़कर साकोच के सामने आया। तूने आज तक अबलाव पर अत्याचार किए, आज उनका अंत होने जा रहा साकोच। हो, पृथ्वी का चूहा, मैं पहले तुझे कुचलता हूँ। चाचा ने अपनी करामती छड़ी का प्रयोग किया। मेरा प्यार चूहे, तेरी हिम्मत ले किक। वो चाचा नीचे गिरते मर जाएगा। नहीं, परीलोक बादलों पर बसा, इसलिए इसकी जमीन गद्देदार मुलायम है। सचमुच चाचा नीचे ऐसे गिरे जैसे पंख रुई पर गिरता है। उठते फिर चाचा ने अपनी करामती छड़ी का प्रयोग किया। साकोच ने भी अपना जादू छोड़ा। दोनों जादू टकराए, जोर का धमाका हुआ, बड़ा। इससे पहले ही साकोच संभले, चाचा ने दोबारा जादू वार किया और ओह बचाओ। कुछ ही क्षणों में साकोच जलकर ढेर हो चुका था। पृथ्वीवासी, तुमने ये क्या बना दिया साकोच का? तुमने इस राक्षस को मारकर हमारी नगरी को हमेशा के लिए वैसे छुटकारा दिला दिया, हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। यह मेरा कर्तव्य था। शहजादी मेहरून, तुमने पूछा नहीं कि हम पृथ्वी से परीलोक पर क्यों आए हैं? मुझे पता, परीलोक जो भी आता है वह या तो किसी परी से शादी करने की अभिलाषा में आता है, या फिर मेरे तिलिस्मी फूल को पाने आता, ताकि इसके जादू से वह ऐसो आराम से अपनी उम्र गुजार दे। हम किसी परी से यहाँ ब्याह रचाने नहीं आए। हम तिलिस्मी फूल लेने जरूर आए हैं, पर अपने लिए नहीं। हमारे राजकुमार का अपहरण कर लिया गया है और बदले में यह फूल मांगा गया है। तुम्हें देने में आपत्ति है तो हम खाली हाथ लौट जाएंगे। नहीं, निराश मत हो, अगर तुम किसी की भलाई के लिए यह फूल ले जाना चाहते हो तो यह हाजिर है। चाचा ने वह तिलिस्मी फूल ले लिया। धन्यवाद शहजादी, यह फूल एक राजकुमार की जान बचाने में सहायक होगा। शहजादी, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें रायगढ़ जल्दी पहुंचना है। ठीक, अलविदा। पर लोग को एक खूंखार राक्षस से बचाने का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। सिराग के जिन आओ, हमें वापस रायगढ़ ले चलो।
माफ कीजिए मालिक, मैं परलोक के बादलों के करीब नहीं आ सकता, आप कूद जाइए। चाचा भतीजा ने ऊंचे बादलों से छलांग मारी। आसमान में चिराग के जिन ने दोनों को लपक लिया। वो चिराग का जिन चाचा भतीजों को लेकर आसमान में उड़ने लगा। जरा तेज चलो, रायगढ़ के महाराज चिंतित होंगे। कुछ क्षणों में दोनों राजा विमल राय सिंह के दरबार में थे। महाराज, हम तिलिस्मी फूल ले आए हैं, शाबाश, इसके बदले तुम्हें क्या दूं? अपना आशीर्वाद। सचमुच तुम कितने बहादुर हो, उतने नेक व निस्वार्थ भी। यह फूल नगर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे रख दो। चाचा भतीजा नगर के बाहर चल दिए। वह रहा बरगद का पेड़। तिलिस्मी फूल को धीरे से रख दिया गया। चाचा भतीजा थोड़ी दूर एक पत्थर की ओट में खड़े हो गए। देखना है तिलिस्मी फूल लेने कौन आता है, उसका राजकुमार का अपहरण करने वाले से जरूर संबंध होगा। कुछ आहट हुई, अरे यह तो बंदर है। गजब हो गया, बंदर तिलिस्मी फूल लेकर चल दिया। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर होता हुआ दूर तक निकल गया। बंदर फूल ले कूदता फांदा की दीवार पर चढ़ गया। भतीजा बराबर उसके पीछे लगा हुआ था। अंत में बंदर थक कर एक मकान की छत पर बैठ गया। उसने नीचे एक आदमी को देखा। काश मैं भी इस जैसा इंसान होता। उसी क्षण बंदर के जिस्म में एक हलचल हुई और अरे मेरी पूछ कहाँ गई और मेरे पूरे शरीर में परिवर्तन आ गया है। मकान की छत पर, पहले मैंने कई बार चाह पर इंसान का रूप नहीं ले सका, लगता है इस फूल में कोई करामात ही है जो अचंभा हुआ है, मुझे इसका जवाब ढूंढना है। इतना सोचना था कि फूल में हलचल हुई। और तुम कौन हो? मालिक, मैं स्थिर सिंह फूल का गुलाम हूँ। आपके मस्तिष्क में जो आया मैंने आपका उसका पालन किया। आपको बंदर से इंसान भी मैंने बनाया। आपकी कुछ और इच्छा हो तो बोलिए। यार बड़े जोर की भूख लगी है, खाना अभी हाजिर होता है मालिक। तिलिस्मी फूल के गुलाम ने हवा में हाथ लहराया। वह पूरी, रायता, मटर पनीर खाना बड़ा स्वादिष्ट है। युवक बेखबर था कि एक काला नाग छत पर चढ़कर उसकी तरफ आ रहा है। वो सांप है, मुझ पर हमला करना चाहता है। तभी बिजली की कोंद की तरह सांप उछला, उसने युवक पर हमला किया। फुंकार, युवक ने वार बचा लिया। फुंकारता हुआ सांप नीचे आ गिरा। यही मौका है, उसने लपक कर सांप को दबोच लिया। अब मैं नहीं, या सांप नहीं। दूर से भतीजा सांप और युवक की लड़ाई देखता रहा। अगर इस समय चाचा होते तो अच्छा रहता। वहीं पर पड़ा लोहे का बार युवक को मिल गया, यह इसका काम तमाम कर देगा। सांप लोहे के नीचे कुचला गया। ड्राक मर गया, इसने तो मुझे सचमुच परेशान कर दिया था। युवक ने तिलिस्मी फूल उठाया। फूल के गुलाम हाजिर हो जाओ। वायु में कंपन हुआ। और क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? आपको जो चाहिए हुक्म करे, यह गुलाम हाजिर करेगा। मुझे रईस ज्यादा बना दो और एक ऐसे महल का निर्माण करो जिसमें ऐसो आराम के सारे साधन हो। जो हुक्म मेरे मालिक पर, महल के निर्माण के लिए हमें खुली जगह पर जाना होगा। मालिक आप इस फूल पर बैठ जाइए, ये आपको मैदान में ले जाएगा। हाँ हाँ, इस पर बैठूं? बिल्कुल, अभी देखिए। हवा में हलचल हुई और फूल का आकार बढ़ने लगा। युवक फूल पर बैठ गया और फूल उसको लेकर उड़ चला। भतीजा दूर से पीछे दौड़ने लगा। अद्भुत, इस तरह से फूल की ताकत हमारे जादू चिराग से कम नहीं। मैदान में पहुंचकर फूल अपने असली आकार में आ गया। महल निर्माण के लिए जगह उपयुक्त है, लेकिन एक बड़ी इमारत बनाने में कितना समय लगेगा? चंद सेकंड। उसने हवा में जादुई इशारे किए और दूसरे क्षण एक आलिशान महल खड़ा हो गया। ओ, क्या यह भव्य महल मेरे लिए? बिल्कुल मेरे मालिक। तिलिस्मी फूल के गुलाम ने फिर जादू इशारे किए। ओ, यह क्या? मालिक आप अब महाराजा हैं। सच? युवक महाराजा राजमहल में। दासी के लिए क्या हुक्म है महाराज? कुछ दूरी पर कजाक सेना का सरदार कजाक। वारुण, बंदर तिलिस्मी फूल लेकर नहीं आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं? सरदार बंदर को अच्छी तरह अभ्यास कराया गया था, वह हमारे सारे हुक्म बजा लाने में अभ्यस्त था। फिर वारुण, बंदर अभी तक तिलिस्मी फूल लेकर क्यों नहीं लौटा? मुझे दल में कुछ काला नजर आ रहा है। सरदार, अगर इजाजत हो तो मैं जाकर पता लगाऊं। नहीं, यह काम मैं खुद करूंगा। और गुफा से निकलकर कजाक सेना का सरदार तहकीकात करने निकल पड़ा। महल की खिड़की से बंदर से राजा बना वारुण देख रहा था। यह तो सरदार कजाक लगता है। दासी, जाओ उस व्यक्ति को यहाँ पेश करो। आपको महाराजा ने राजमहल में याद किया? मुझे? कजाक राजमहल महल में आ गया। कजाक, तुमने हमें पहचाना? नहीं महाराज, वरन आपकी आवाज पहले कहीं सुनी है। तुम्हारे पास एक बार उन बंदर था जिसने तुम्हारे इशारों पर चलाना सिखाया था,
वह तुम्हारा हर हुक्म बजा लाता था। हम वही बंदर है वारून है, अगर यह मेरा वारून बंदर है तो यकम वक्त जरूर तिलिस्मी फूल की मदद से राजा बना होगा और इसका राज महल और सारी ठाठ बाट उसी फूल का करिश्मा है जिसकी तलाश थी यही मिल गया। उधर भतीजा ये सारे चमत्कार छुपकर देख रहा था, मुझे ये सारा हाल चाचा को बताना चाहिए। प्यारे वारून, इस टास्क को भी कोई छोटी सी नौकरी दे दो। ठीक आज से तुम राजमहल के शाही नौकर नियुक्त हुए। उधर भतीजा चाचा की तरफ दौड़ा, चाचा उसे अपनी ओर आते हुए मिल गए। भतीजे मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, बंदर का कुछ पता चला? चाचा जी मैंने जो चमत्कार देखा उस पर आप यकीन नहीं करेंगे। क्या बंदर ने तिलसी फूल की पंखुड़ियां अलग अलग करके फेंक दी? नहीं, वरन उस फूल की मदद से अब बंदर से राजा बनकर राजमहल में ठाट से रह रहा है। अच्छा, यह सारी घटना हमें राजा विमल राय सिंह को बता देनी चाहिए। रायगढ़ के राजा विमल राय सिंह के दरबार में हमारा बेटा अभी तक राजमहल में नहीं पहुंचा, क्या तुमने फूल अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंचाया? महाराज यही बताने हमें आप तक आए हैं। उस फूल को बरगद के नीचे रखते एक बंदर ने उठा लिया और छेल लिए तिलसम से राजा बनकर रह रहा है। इसका मतलब हमारा बेटा वापस नहीं आएगा? नहीं महाराज, हम राजकुमार को जरूर छुड़ा कर लाएंगे, हमें थोड़ा समय दीजिए। ठीक है। दोनों वारुण राजा के तिलिस्मी महल की ओर चल पड़े। चाचा जी रात हो गई, हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए। भतीजे जब तक राजकुमार नवल राय अपने पिता के पास नहीं पहुंच जाता मुझे चैन नहीं आएगा। उधर राजमहल में बंदर से मनुष्य बना राजा गहरी नींद में सो रहा है। नौकर बने कजान के दिमाग में एक षड्यंत्र की योजना थी, यही मौका तिलिस्मी फूल को कब्जे में करने का। कज्जा को फूल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और उसको वहीं पर फूल मिल गया। मेरी कई सालों की तमन्ना आज पूरी हुई। लेकिन भागते हुए कड़ाक से एक स्टूल से टकरा गया और एक फूलदान गिर गया। टन आवाज से वारुण राजा की नींद खुल गई। नहीं, मेरा तिलिस्मी फूल। खिड़की से कूद कर कज्जा भाग निकला, उसके पीछे वारुण था। मेरा फूल लौटा दो, मेरा तिलसिंह फूल दे दो। कजाक रुका, ऐ तिलसिंह फूल के गुलाम प्रकट हो। हवा में तरंगे उठी, क्या हुक्म है मालिक? मेरे पीछे वारून लगा हुआ है, उसे मार डालो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तिलसिंह फूल का गुलाम लपका, नहीं तुम उसे नहीं मार सकते। तभी कजाक लपका, तुम हमारे बीच खलल डालने वाले कौन हो? बताऊं यह तड़ाक, एक निर्दोष की जान बचाना मेरा फर्ज है। तभी कजाक उछला, धड़ाक, तिलिस्मी फूल के गुलाम पहले इस बुड्ढे को खत्म कर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे मारोगे? हा हा हा, क्या कभी चूहा किसी शेर को मार सकता है? हा हा हा। तिलिस्मी फूल के गुलाम ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? ये तो बहुत बड़ा हो गया। तिलिस्मी फूल के गुलाम ने चाचा को पकड़ लिया, पता नहीं इसका क्या इरादा क्या, और आसमान में उछाल दिया। नीचे गिरते तुम्हारी हड्डी पसलियां शीशे की तरह टूटकर बिखर जाएगी। पर चाचा एक घास फूस के ढेर पर गिरा, दब। शुक्र है मुझे कोई चोट नहीं आई, ऐसी स्थिति में चिराग के जिन को बुलाना पड़ेगा। फिर चाचा ने जादू चिराग को घिसना शुरू कर दिया। क्या हुक्म है मेरे आका? उस मोटे को जरा सबक सिखाओ, देखता हूं कि कौन किसको सबक सिखाता है। दड़ाक, कहो कैसा रहा मेरा पहला सबक? ओह, इसको रहना इतना आसानी जितना मैं समझता था। जिन ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और उठा लिया, जिन ने पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा, धड़ाम। फिर दोनों विशालकाय जीव गुथम गुथा हो गए। इस लड़ाई का अंत होता नजर नहीं आता। अगर तिलिस्मी फूल मेरे हाथ आ जाए तो बात बन सकती है। भतीजे ने लकड़ी का डंडा जमीन से उठाया, अगर एक कज्जाक पर काम कर गया तो जीत हमारी है। फिर ने कज्जाक पर एक भरपूर रात जमाया, धड़ाक। ओह, यह फूल एक बार फिर हमारे कब्जे में है। तिलिस्मी फूल का गुलाम, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम यहां से जाओ। और दूसरे क्षण फूल का गुलाम हवा में विलीन हो गया, गायब हो गया। यह कोई इसकी चाल तो नहीं? अब यहां से भागना ही मुनासिब है, अब तुम भाग नहीं सकते। राजकुमार कहां है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। चाचा जी ऐसे नहीं मानेगा। चिराग के जिन कजाक से पता लगाओ कि उसने राजकुमार को कहां छिपा रखा है। जिन ने कजाक को अपने हाथ में लिया, अगर मेरे तीन गिनने तक तुमने राजकुमार नवल राय सिंह का पता नहीं बताया तो तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ डालूंगा। एक, दो, और ठहरो मैं बताता हूँ कि राजकुमार कहाँ है। हाँ, अब आए तुम रास्ते पर। राजकुमार नवल राय को हमारे यहाँ से 2 कोस दूर एक झोपड़ी में बांध रखा है, हमें रास्ता बताओ।
आप चलो मैं रास्ता बताता चलता हूँ। चलते हुए सुबह हो गई, अब तुम्हें मुझे छोड़ना होगा क्योंकि झोपड़ी में जाकर मैं ही राजकुमार के बंधन खुलवा सकता हूँ। ठीक है, कजाक चाचा बच्चा के साथ झोपड़ी में गए। झोपड़ी के अंदर मिलो अपने राजकुमार से, अगर तुम लोगों ने जादू चिराग और तिलिस्मी फूल मेरे वाले नहीं किया तो राजकुमार को जिंदा जला देगा, विश्वासघात। तभी भतीजा उछला धड़ाक, चाचा भी लपका धड़ाक, भिशुम भिशुम। गिरी मशाल से झोपड़ी में आग लग गई। राजकुमार जल्दी बाहर भाग गया, झोपड़ी जल रही है। राजकुमार चाचा भतीजा के साथ झोपड़ी से बाहर निकल आया। कजाक और उसका साथी अंदर ही राख हो गए। राजकुमार जल्दी आइए, आपके पिता से मिलने को व्याकुल है। राज दरबार में राजा विमल राय सिंह ने पुत्र को देखते ही गले लगा लिया। चाचा भतीजा, तुम्हारी सूझबूझ और बहादुरी से मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। जो चाहो मांग लो, खजाने के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। महाराज, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, यह युवक वारुण बंदर से इंसान बनाए, इसे मनुष्य स्वीकार कर लिया जाए। आप इसे एक आम नागरिक का जीवन व्यतीत करने की अनुमति दें, ऐसा ही होगा। और रायगढ़ में फिर से शांति और समृद्धि के दिन आ गए। चाचा जी, अपना काम खत्म। नहीं बेटा, ये तुलसी फूल परियों की रानी की धरोहर है, आओ इसे उस तक पहुंचा दे। समाप्त। तो दोस्तों, मुझे तो ये कॉमिक्स ठीक ठाक ही लगी, ये किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो इसलिए मैंने पढ़ी थी, तो ये मेरी खुद ही पसंद नहीं थी। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर अच्छी लगी तो मैं चाचा भतीजा और भी कॉमिक्स यहाँ पर डाल दूंगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाता रहूंगा।